वासना की दुष्टात्मा कथेश, इस देवी को नया सम्राज्य मिस्र की पौराणिक कथाओं से कनानी धर्म में अपनाया गया था। वो परमानंद और यौन की एक प्रजनन देवी थी। स्वाभाविक रूप से कथेश की पूजा का शहर यही था। देवी कथेश की मूर्ति में उसे मिस्र के मीन और कनानी देवता योद्धा रेसिप के बीच एक शेर पर नग्न अवस्था में खड़ी हुई चित्रित किया गया है। उसके एक हाथ में सांप है और एक हाथ में एक कमल का फूल है जो सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है। उसे सभी देवताओं की मालकिन, स्वर्ग के सितारों की महिला, पथा की प्रेमिका, महान जादूकरणी, सितारों की मालकिन और राख की आंख जिसके समतुल्य कोई नहीं है उपाधि दिया गया है। एथरेट की उपाधि कदेशु है जिसके इस्तेमाल कनानियों की महान देवी माता के लिए प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर ने आत्माओं के बारे में प्रकट किया और उनसे अवगत कराया है जो भारत में अशुद्धता को बढ़ा रही है, ताकि हम उन्हें हमारी प्रार्थना से बांध सके। आइए हम यीशु के नाम में विश्वास से प्रार्थना करें।